तो कैसे हैं दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा ज़बरदस्त ऐप जिससे आप बना सकते हैं अपनी होम स्क्रीन को एक ज़बरदस्त। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी होम स्क्रीन बहुत पुरानी हो गई है दिखने में, तो आप लोग उसको दे सकते हैं एक नया लुक। अगर आप जानना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा ऐप है, तो देखते रहिए मेरी वीडियो को। तो दोस्तों, आपको बस सिर्फ वो एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी जो आपको प्ले स्टोर पर अवेलेबल मिल जाएगी। तो सबसे पहले आप लोग अपना प्ले स्टोर खोल लें, उसके अंदर आप लोग यहाँ पे सर्च करेंगे बॉर्डर लाइफ, तो आपको सबसे पहले ये वाला ऐप मिल जाएगा, बॉर्डर लाइट लाइव वॉलपेपर। जी हाँ दोस्तों, इसको इंस्टॉल कर लें, मैंने इंस्टॉल कर रखा है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले एक ऑप्शन मारेगा, यहाँ पर एक ऑप्शन मांगेगा एक्टिव का, तो आपको एक्टिव पर क्लिक कर देना है दोस्तों। यहाँ पर ये ऑप्शन देगा सेट वॉलपेपर का, तो आप यहाँ पे सेट वॉलपेपर पे क्लिक कर दें। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे इसके सेटिंग्स मिल जाएंगी कि आप लोग अगर इसको एनिमेटेड स्पीड को तेज़ करना चाहते हैं तो आपकी स्पीड ये तेज़ हो जाएगी, ये देख लीजिए दोस्तों। तो और अगर आप लोगों को बॉर्डर थोड़ा थिक रखना है तो थिक भी हो सकता है आपके लिए, ये देखिए ये बॉर्डर थिक हो गया है। बॉर्डर थिकनेस ऑन लॉग स्क्रीन, ये सब कुछ आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर आप चाहे कॉर्नर आपको कर्व रखने हैं तो आप ये भी कर सकते हैं, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे कॉर्नर आपके कर्व हो गए हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको कॉर्नर कर्व नहीं रखने हैं, तो फिर आप इसको ख़त्म कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे कलर्स चेंज करना, तो आपको यहाँ पे कलर्स चेंज करने का भी ऑप्शन मिल जाता है दोस्तों, ये देखिए इसके ज़रिए आप लोग अपना कलर चेंज कर सकते हैं अपनी स्क्रीन का। मैं आपको कलर यहाँ पर चेंज करके दिखा दूँ, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आ गया एड, तो यहाँ पे आपका हो गया कलर चेंज बिल्कुल। अगर आप और भी बाकी चीज़ों का कलर चेंज करना चाहते हैं तो ये देखिए। तो दोस्तों यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है इनेबल नॉच, तो अगर आपको ये ओपन करना है तो कर लीजिए। खैर मेरे मोबाइल में ये ऑप्शन नहीं है, तो फिर मुझे ओपन करने का फ़ायदा नहीं है। बाकी ये इसके अंदर आप और भी नई चीज़ें देख सकते हैं, इसके अंदर सेटिंग्स के ज़रिए आप न्यू पिक्चर भी लगा सकते हैं। अगर आप लोगों को इस बॉर्डर के साथ पीछे अपनी कोई इमेज भी लगानी है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा इनेबल बैकग्राउंड इमेज, तो आपको इसे ऑन कर देना है। तो ये ऑन करती है आपको ऑप्शन दे देगा कि आपको कौन सी पिक्चर लगानी है। तो यहाँ मैं डाउनलोड्स के अंदर चले जाता हूँ, तो अगर मैं ये वाली पिक्चर लगाऊँ तो देखिए ये पिक्चर सेट हो गई है यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप। अगर मैं होम स्क्रीन दबाऊँ तो ये पिक्चर लग गई है, तो आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त ये लुक आ रहा है इस ऐप की वजह से। हमारा बिल्कुल न्यू लगने लगा मोबाइल जैसे। अगर आप इसको लाइटनिंग को तेज़ करना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं, मैं आपको करके दिखा देता हूँ अच्छे से। तो ये देखिए, अगर आपको बॉर्डर भी थिक रखना है तो आपका ये थिक भी हो जाएगा, ये देखिए। तो यहाँ पे एनिमेटेड लाइट तेज़ हो गई है और बॉर्डर भी थोड़ा हमारा थिक हो गया है। अगर आप इस तरह की वीडियोस और देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दीजिए, और मेरी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ ऐसी ही ज़बरदस्त एप्लीकेशन और गेमिंग से रिलेटेड चीज़ें। तो जल्दी से मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब।